एक आध्यात्मिक विद्यालय या कहें आश्रम, जहां महिलाएं अध्यात्म की शिक्षा लेने जाती थी, लेकिन उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार होता था। उन्हें इंसान नहीं, एक कैद में बंद जानवर की तरह रखा जाता था। ये जगह है दिल्ली के रोहिणी इलाके में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जो महिलाओं के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। महिलाओं को यहाँ कांटेदार तारों से घिरे किले में लोहे के दरवाजों के पीछे कैद रखते थे। उनके नहाने के लिए भी कोई पर्दा नहीं था, लेकिन फिर भी ये आश्रम बेधड़क राजधानी दिल्ली में चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद ना इसे चलाने वाले वीरेंद्र देव को पकड़ा जा सका है और ना ही ये आश्रम बंद हुआ है। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पहली बार 2018 में विवादों में आया था। तब एक लड़की की लाश आश्रम के बाहर रखे जाने के बाद हंगामा मच गया था। तब बताया गया कि कैसे यहाँ महिलाओं को बहला फुसला कर बंदी बनाया जाता है और फिर उनका यौन शोषण होता है। वीरेंद्र देव दीक्षित ब्रह्म कुमारियों का अनुयायी था, जिसने बाद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से अपना स्वयं का संगठन बनाया। दीक्षित पर किले जैसे आश्रम में 100 से ज्यादा महिलाओं को बंधक बनाने और उनका यौन शोषण करने का आरोप है। 2018 में दिल्ली पुलिस ने इस परिसर से 40 से ज्यादा महिलाओं को बचाया। तब से दीक्षित फरार है और इस मामले की जांच अब CBI कर रही है। लेकिन अब ये मामला चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि एक माता पिता ने शिकायत की है कि उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि माता पिता अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी बेटी गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित है। गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि आश्रम वीरेंद्र दीक्षित के स्वामित्व में है, जिसके खिलाफ CBI ने चार्जशीट दायर की है। उसके खिलाफ कम से कम 10 मामले लंबित हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को संत वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम के कामकाज पर हैरानी जताई है। हाईकोर्ट की बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह का संस्थान होने को निराशाजनक बताया और आशंका जताई कि वहाँ कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को आश्रम पर कब्जा करने का निर्देश देने जा रहे हैं। यह सरासर बकवास है। दिन दहाड़े दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो रहा है। वीरेंद्र देव दीक्षित की अनुपस्थिति में आखिर यह आश्रम कौन चला रहा है? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि संस्था के सदस्य पूरी तरह से होश में है और वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, ना कि किसी जबरदस्ती या गलत प्रभाव में। कोर्ट ने संस्थान चलाने का दावा करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कोर्ट को संस्थान के अधिग्रहण का निर्देश देने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।